फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाल रखे, आमीन सुमामीन। बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करके आज की रेसिपी का आगाज, आज के चंद क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की गई बहुत मजेदार सा हमने बनाया चिकन ट्विस्टर पिज्जा, देखने से आपको अंदाजा हो रहा होगा। चले हम इसे कट करके भी दिखाते हैं। चले ये देखिए हम अपने ट्विस्टर पिज्जे को जबरदस्त, ये देखिए कितना जबरदस्त और सॉफ्ट सा इसका डो बना है, कट करते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त सा ये अंदर तक, ये देखिए पीछे से भी कितनी जबरदस्ती ब्रेड बनी हमारी, और ये देखिए अंदर तक कुक है ब्रेड और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है चलिए किचन क्लोजअप में वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिज्जा ट्विस्टर बनाने के लिए हमने चूल्हे पर रख लिया फ्राई पैन। सबसे पहले हम उसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फ्राई पैन में डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल देने के बाद मैंने 300 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चले जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जाएगा इसमें आपके टेस्ट के मुताबिक जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, मसालों को कम या तेज आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर का, इसी भी काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल देंगे मिक्स हर्ब। चिकन को लिड लगा के रख देंगे कि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे, चिकन हमारी जबरदस्त से सॉफ्ट हो जाएगी, कुक हो जाएगी, फिर हम आपसे मिलते हैं। चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है, देख लीजिए चिकन बिल्कुल हमारी कुक हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक छोटे से साइज की प्याज ली थी मैंने, उसे बारीक बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इसको ज्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा सौते कर लेना है कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस फिलिंग हमारी हो गई डन 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 डन। चले जी प्याज भी हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। जो चिकन के पीस मुझे थोड़े बड़े लग रहे उसको मैंने चमचे की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लूंगी और बस ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पिज्जा डो मैंने पहले से रेडी करके रख लिया था। पिज्जा परफेक्ट पिज्जा डो की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, मेथड उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमने पैन पे इसको फैला लिया था डो को, अब हम क्या करेंगे इसके सेंटर में इस तरह करके कट लगा देंगे। ये देखिए चलें एजेस पे हमने इसको थोड़ा सा इस तरह हाथ की मदद से टैप कर लेना है। अब हम इसके साइडों पे यहाँ पे पिज्जा सॉस डाल देंगे। चलें अब जो चिकन हमने बनाई थी वो इसके साइडों पे इस तरह करके रख देंगे। ये देखिए इसके साथ ही चीज डाल देंगे। चीज़ की कम या ज्यादती आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना आपको चीज़ पसंद है आप उतना डाल दें। अब जो हमने
यहाँ से कटिंग की विधि, अब एक स्टेप इसका उठाएंगे इस तरह करके और ये इसको इसके पीछे ले जाके यूं करके ट्विस्ट कर देंगे, ये देखिए इस तरह करके एक छोड़ देंगे, फिर हम ये दूसरा वाला उठाएंगे, ये देखिए इस तरह ले जाकर इसको ट्विस्ट कर देंगे। इसका ये जो दूसरा रह गया अब इसको भी हमने इस तरह करके ट्विस्ट कर देना, ये देखिए फोल्ड करते जाएंगे पीछे की तरफ। चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे मिक्स हर्ब का, अब एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल अच्छे से, आप चाहो तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो डो की एजेस हैं इस पर अच्छे से हमने लगा देना है, ये जल्दी से बेक कर लेते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू 15 मिनट्स के लिए, हमारा मजेदार सा ट्विस्टर पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये देखिए जबरदस्त सा पिज़्ज़ा ट्विस्टर हमारा बेक हो चुका है, क्या जबरदस्त सा शानदार सा कलर है। अब हम इसके सेंटर में रख देंगे गर्मा गर्म फ्राइज। पिज़्ज़ा ट्विस्टर खाने के लिए तैयार हो चुका है, ठंडी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लाइए और इसको एंजॉय करिए। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि उससे आइंदा नाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले अब आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।